अपने घर के सामने हूँ और मेरे साथ इस बंदे को पहचान रहे हो आप लोग? सब आई जा रहे सबको पहचान तो ये मेरा ग्रुप है, ग्रुप का एक मेंबर है शुभजीत, इसके चैनल का नाम पैशन है जीत है। बाय द वे नमस्कार दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक खास पर्पज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, खास काम के लिए जा रहा हूँ, और वो काम मेरा नहीं है, वो काम इसका है। तो वहाँ जाके आप लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या काम है। और पीछे का जो अभी अभी रात के कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। मोहल्ले में ही हूँ, चिंता मत कीजिए। तो चलिए वहाँ जाके आप लोगों से मिलता हूँ, हम लोग वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ राइडिंग गियर्स के शोरूम में। पीछे देखो ये रहा फिनिक्स राइडिंग गियर का शोरूम है। यहाँ पे जो रिवील करने वाला था आप लोगों को वो ये रहा कि यहाँ पे शुभो जो मेरे साथ पैशनेट जीत है वो यहाँ आज एक राइडिंग जैकेट लेगा, जिस वजह से आज मेरे साथ वो यहाँ पर है और रात के 8 बजे। तो चलिए अंदर चलते हैं, शोरूम को भी दिखाते हैं और वो क्या परचेस करता है, किस कंपनी का परचेस करता है, क्या ब्रांड लेता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए अभी ये सोलस का जैकेट अमित ने उठाया। अमित को आप लोग पहचानते हो, बहुत बार मैंने नाम लिया अमित का। ये मेरा राइडिंग गियर्स का मेरे मोहल्ले का ही एक्सपर्ट आदमी, और ये रहा सोलस का ये जैकेट पहन रहा है। सोलस कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। अब साइज इसके साइज डिपेंड करता है, साइज आप जो भी इसमें ना क्या कि जो भी आप साइज लोगे वो नॉर्मल जो पहनते हो उससे एक साइज छोटा होना चाहिए ताकि आर्मर आपका फिट आए। कंधा देखो यहाँ पे, ये वाला सही है, ये सही है। कौन एक्सेल ना, ये उसका ना अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। पैशनेट जीत ने अभी जो पहना हुआ है जैकेट ये राइनॉक्स का है। सी दिस राइनॉक्स, राइनॉक्स ये क्या मॉडल नंबर? टॉर्नेडो प्रो। यहाँ पे इसकी फैसिलिटी क्या है, ये आप जो देख रहे हो स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर दिया हुआ है, आप हाथ स्ट्रेच करोगे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। उसमें थोड़ा सा तनाव होता है, महसूस होता है बाकियों में, लेकिन ये स्ट्रेचर है। और इसका वार्मर और रेल लाइनर दोनों अलग अलग है, दोनों को लेना पड़ेगा, अलग से हम परचेस करना पड़ेगा। तो अभी शुभो ने जो पहना हुआ है वो एक्सोर का है, सीधिस एक्सोर, एक्सोर मॉडल क्रूज 2। कंफर्टेबल है बोल रहा है, जैसा कि कंफर्टेबल है, हल्का है पीछे एज यूजुअल, यहां भी है, यहां भी है। इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं है, ये देखो चेस्ट प्रोटेक्टर यहां नहीं है। हाँ अगर अगर अंदर पॉकेट होगा तो मिलेगा, देखो अंदर पॉकेट है कि नहीं, नहीं पॉकेट है, खोलो, नहीं नहीं ये नहीं, अच्छा, ये नहीं, अच्छा, नहीं, ना, 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 ना। नहीं है, इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं है। बाय द वे फिटिंग और वगैरह वगैरह आप जो देखो ये फिटिंग सही है। अब डिसाइड उसको करना है कि वो कौन सा लेगा, 3 है इसमें, आपका रेन लाइनर मिल जाएगा, वार्मर नहीं मिलेगा, वार्मर इसमें अलग से लेना पड़ेगा, डिसाइड उसको करना है। मेरे पास तो है लोन रेंजर का, 3 इसको दिखाया गया है, 3 मॉडल दिखाया गया है जैकेट का, एक राइनॉक्स, ये रहा ये सोलस, आप देख रहे हो ये सोलस, और एक इसने जो पहना हुआ है एक्सोर का, ये देखो
तीन मॉडल दिखाया गया है, तीन मॉडल, तीनों ऐसा नहीं है कि तीनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, तीनों अच्छे हैं मैं ये कहूँगा। सोलस कंपनी बोलिए, राइनॉक्स बोलिए, जो भी बोलिए, तीनों अच्छे हैं। तो अब पसंद अपनी अपनी, भाई एक कहावत है ना हिंदी में, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो वही बात है। बाय द वे आप लोगों को मैं बता दूं, इस शोरूम का नाम है फिनिक्स एडवेंचर बाघा जतीन। आप कहीं से भी आओ, बाघा जतीन मोड़ पर आओ, बाघा जतीन मोड़ से टुवर्ड्स रानीकुटी की तरफ बढ़ोगे तो थोड़ी दूरी पर, बाघा जतीन मोड़ से थोड़ी दूरी पर आपको बाएं हाथ टर्न करना पड़ेगा। जैसे ही बाएं हाथ टर्न करोगे तीसरा शॉप है। इस शोरूम का ओनर सामने खड़ा है अमित। अमित जरा अपने बारे में कुछ बता दो, शोरूम के बारे में। फिनिक्स एडवेंचर आप सोमदास से और डिटेल्स भी पूछ लीजिएगा, या क्वेरीज हो तो सोमदास से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन नंबर भी सोमदास के चैनल में शायद दिया हुआ होगा, नहीं तो दे देंगे। और कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रोडक्ट अगर कहीं भी मिलता है या कम मिलता है, विथ रीजनेबल प्राइस में नहीं मिलता है, तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर बाहर में थोड़ा एक रुपये ज़्यादा है तो इधर में 5 रुपये कम से भी मिल जाएगा, तो ये वाला मैं सपोर्ट करूंगा। और स्पेशली राइडिंग जो यंग जनरेशन है, सेफ राइडिंग, पहले दिखावे के लिए राइडिंग नहीं होता, अपने को एंजॉय करने के लिए राइडिंग होता है। तो पहले ये वाला फॉलो करो और दादा का फॉलो करो। पहले दादा का ऑफबीट जगह में जो मेरा पसंद है, मैं एकदम ऑफबीट जगह पसंद करता हूँ, तो वो गाँव भी हो सकता है, एकदम आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे जगह में बहुत मज़ा आता है। वो छोटा गाँव भी हो सकता है, छोटा को गरीब का ढाबा भी हो सकता है, वहाँ पे एंजॉय करो एकदम। तो और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी चीज बेझिझक आ जाना। फिनिक्स एडवेंचर खुला है सब के लिए। एड्रेस आप अपना बता दो। साउथ में बाघा जतीन लोकेशन मारना पहले, उसके बाद ये वाला स्टॉपेज जो है आई ब्लॉक बोल के आता है, तो फोन नंबर दिया हुआ होगा, मैं लिंक भी भेज दूंगा। अगर मेरे को फोन करोगे तो मैं लिंक भी तुम लोगों को भेज दूंगा, तो बेझिझक फॉलो करके नंबर ले लेना, दादा तो गाइड कर देंगे आपको। और मेरा नाम लेकर अगर कोई अगर आता है आपके पास तो आप क्या करोगे, उसको कैसा ट्रीटमेंट दोगे? आना तो उसके बाद जो होगा वो तुम्हारे और मेरा बीच में नहीं, तो तुम्हारा सब क्लोज जरा, मतलब क्लोज वाला जो भी होगा वो ऑटोमेटिक जान जाएगा, जब कौन से चीज कितना वैल्यूएबल चीज कौन से वैल्यू में तुम लिए हो, वो एक बार ले लेना, उसके बाद पता चल जाएगा। मैं मॉडल यहाँ पे कंपनियों के बारे में, जिसके पास जो ब्रांड है, अमित के पास जो ब्रांड है, उसके बारे में हल्का फुल्का मैं बता दूं। जैकेट वगैरह में सोलस मिलेगा, एक्सोर मिलेगा, राइनॉक्स मिलेगा, लोन रेंजर मिलेगा, और भी ये ब्रांड आने वाला है, और भी ब्रांड आने वाला है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एकदम नहीं, प्रमोशनल में एकदम मैं नहीं जाता, मैं सीधे से पार्ट बोल रहा हूँ। और हेलमेट में आपकी जैसा देख सकते हो, यहाँ पे वेगा है, स्टील बर्ड है, एमटी है, एक्सोर है, आपको जो चाहिए ले सकते हो। शूज में यहाँ इन्होंने रखा है एक्सोर का एक शूज, मैं देख रहा था यहाँ पे रखा हुआ है, ओराजो भी है। ओराजो तो आप लोग पहचानते ही हो, ओराजो के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक्सोर का शूज नो डाउट बढ़िया, मैंने अभी ट्राई करके देखा था, नो डाउट बढ़िया, बढ़िया लगा। और अमित एक और चीज, स्पेशल चीज दिखाना जा रहा है, नहीं इग्नाइट का मॉडल है ये वाला, नया वाला जो जितना भी राइडर है, तो ये वाला हेलमेट एक बार देख लेना, ये वाला प्रीमियम सेगमेंट में, तो इंडिया में थोड़ा धमाका मचाने के लिए आया है। अच्छा। ये वाला एरोडायनामिक मॉडल स्टील वर्क का विथ पिनलॉक 30 देके आया है, और लुक्स वाइज अभी तक वो इंडिया में थर्ड रैंकिंग में है ये वाला। और एक दिखा दो उधर में, रेड कलर का है, कुछ कुछ चीज यूनिक मिलेगा तुम लोगों को, दादा बता देंगे। यूनिकनेस है यहाँ पर, मैंने खुद लिया हुआ है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आओ बेझिझक, आप लोग आओ, जैसा कि अमित बता चुका कि मेरा रेफरेंस लेकर आओगे तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ट्रीटमेंट मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो अमित आपको बताएगा, उस वक्त आपको बताएगा। तो फाइनली शुभो ने सोलस का जैकेट चुना है, उसको वही वाला अच्छा लगा, प्रोटेक्शन नहीं, नो डाउट प्रोटेक्शन अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ प्रोटेक्शन अच्छा है। सोलस का जैकेट चुना, जैसे कि वो पीछे आप देख रहे हो पहना हुआ है, देख रहा है बार बार, एक पहली बार ले रहा है तो थोड़ा सा मन में था कि ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा था, बट राइट नाउ क्लियर हो गया, वो ले रहा है। तो पूरे शोरूम को मैं दिखा दूँ थोड़ा, इसी बीच लगे हाथ ये रहा शोरूम, यहाँ देखो एक्सोर का ये पैंट है,
ये एक्सोर का पैंट ये रहा, लोन रेंजर का जैकेट उधर रहा, हर आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे पीछे आगे देख रहा हूँ, हर आइटम मिल जाएगा। तो आप लोग आओ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग आओ, आप लोग आकर यहाँ पे राइडिंग गियर्स जो भी लगेगा जैसा भी लगेगा ले सकते हो रीजनेबल। और आपको एक एडवांटेज मैं दे रहा हूँ आपको मेरी तरफ से, आप यहाँ पर आकर जो भी पसंद आए जैकेट, खासकर जैकेट पैंट शूज राइडिंग शूज पसंद करने के बाद आप ये यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मेरे बारे में कहना, मेरे चैनल के बारे में कहना एच सोम, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा मैं ये नहीं बताना चाहता अभी, जब आप यहाँ आइएगा तब आपको पता लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज़्यादा कुछ दिखाता नहीं हूँ, समाप्त करता हूँ। मिलूंगा एक नए ब्लॉग में एक नए राइड पर, तब तक के लिए मुझे आगाह दीजिए। नमस्कार, बी इंडियन।